पानी की समस्या के लिए सतपाल महाराज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अलवर में पानी की अत्यंत जटिल समस्या है, लेकिन इसके निराकरण के लिए भी एक मजबूत नेता की आवश्यकता है जो कि भूपेंद्र यादव के रूप में आपके पास है। राष्ट्रीय संत और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अलवर में भूपेंद्र यादव के पक्ष में सभा करने आए। सतपाल ने कहा, विश्व में नरेंद्र मोदी ने भारत की एक अमिट छाप छोड़ी है जो कि काबिले तारीफ है। यूक्रेन युद्ध के दौरान लगभग 22,000 युवकों को नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन करके वहां से रिहा करवाया। सभा से पूर्व सतपाल महाराज ने खास तौर से मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल्द ही अलवर में पानी की समस्या का निराकरण किया जाएगा। अलवर की पानी की समस्या अब राष्ट्रीय पटल तक पहुंची हुई है, इसलिए इसके निराकरण के लिए डबल इंजन की सरकार को निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र घर घर पानी पहुँचाना आवश्यक होगा। बड़े अरसे के बाद हमारे घर में एक लक्ष्मी का आना हुआ है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, तो भाई आप सब लोगों को कमल खिलाना होगा। तो यही आग्रह करने में आया हूं और निश्चित रूप में टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को एक मजबूत लीडर ही देश को मजबूत बना सकता है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें मजबूत लीडर चाहिए, एक शक्तिशाली लीडर चाहिए। और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी यूक्रेन की वॉर हुई और हमारे वहां करीब 22,000 लड़के फंस गए थे। उन्होंने पुतिन को फोन किया, उसके बाद उन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन किया और 2.5 घंटे तक जो है युद्ध रुका रहा और हमारे भारत के लड़के निकले। जिनके हाथ में झंडा था उसमें नेपाल के लोग भी थे, वो भी निकले और सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए निकले। तो ये प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री जी का है। मैं यही आग्रह करने आया हूं कि समय अलवर में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमारा यहाँ से होगा तो निश्चित रूप में जो आपकी पानी की समस्या है इसका निदान होगा और अलवर भी बहुत तेजी से आगे विकसित होगा। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या लगता है? ये हमारा लक्ष्य है जो हमारे नेताओं ने दिया है। कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया जाता है कि भाई आपने जो है इस संख्या को पार करना है, तो एक लक्ष्य दिया गया है। पार्टी का जो है भाजपा का जो है वो 370 है, उसके बाद जो हमारा पूरा गठबंधन है उसका मिलाकर 400 पार का नारा दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो प्रभाव दिखा रहे हैं और जो आज आप जानते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव बढ़ रहा है निश्चित रूप में, तो हमारे पड़ोसी राज्य भी जो है वो ईर्ष्यालु हो रहे हैं। ईर्ष्या तो होती ही, आपको पता है। तो ये सब चीज के लिए आज भारत को मजबूत लीडर चाहिए और निश्चित रूप में जो मोदी जी ने काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किया। 500 साल पुराना जो झगड़ा था राम मंदिर का, उसका हल किया है। मुझे स्वयं वहां रहने का मौका मिला और जैसे मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर एक दूसरी दिवाली मनाई गई, ऐसा भाव लोगों का था, सद्भावना का भाव था कि भाई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और राम का मंदिर बन रहा है। और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? जब कोर्ट ये पूछता था कि राम का जन्म हुआ है या नहीं, राम का अस्तित्व तो है नहीं, तो उस समय हम यही कहते थे कोर्ट से कि आप रामनामी की छुट्टी करते हो। जब रामनामी की छुट्टी होती है कोर्ट में तो राम का जन्म तो हुआ ही होगा। तो आज ये प्रभावशाली मंदिर बना है।